27 ओवर तक नहीं मिली थी बॉलिंग, हाथ में गेंद आते ही धोनी के चेले ने पलट दिया पूरा मैच। बांग्लादेशियों से करवाया नागिन डांस। चलते मैच के दौरान रोहित शर्मा ने जडेजा को लगाई थी फटकार, फिर महाकाल की कसम खाकर सर जडेजा ने बांग्लादेश को कर दिया बर्बाद। जडेजा की घातक गेंदबाजी अचानक ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गए बांग्लादेशी। सर जडेजा ने बना दिया क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा महारिकॉर्ड, सेनवार्न भी हो गए पीछे। आधी रात धोनी ने लगाया जड्डू को फोन। कानपुर टेस्ट महामुकाबले में ढाई दिनों तक जब लगातार बारिश होती रही तो भारत का हर एक क्रिकेट प्रेमी यह मान चुका था कि यह टेस्ट मैच जब पूरी तरह से ड्रा हो जाएगा, हिंदुस्तान की टीम सपने में भी अब कानपुर टेस्ट मुकाबला नहीं जीत पाएगी और हो सकता है कि भारतीय टीम का लगातार तीसरी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने का सपना भी टूट कर चकनाचूर हो जाएगा। मगर रोहित शर्मा के बब्बर शेरों ने अनहोनी को भी होनी करके दिखा देते हैं और क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर पहले तो अपनी शानदार तूफानी बल्लेबाजी से बांग्लादेश के सभी गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाते हैं, उसके बाद गेंदबाजी से भी रोहित शर्मा के सभी गेंदबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करने का काम करते हैं। मगर कानपुर टेस्ट महामुकाबले के पांचवें दिन एक समय ऐसा भी आ गया था कि बांग्लादेश के दो बल्लेबाज क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर चट्टान बनकर खड़े हो गए थे और भारतीय गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के तीन बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाने के बाद भारतीय गेंदबाज बांग्लादेश के दूसरे बल्लेबाजों को आउट ही नहीं कर पा रहे थे। बांग्लादेश के यह दोनों बल्लेबाज क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर चट्टान बनकर खूंटा गाड़ के खड़े हो गए थे और भारतीय गेंदबाजों का डट कर सामना कर रहे थे। विकेट नहीं मिलने की वजह से रोहित शर्मा काफी ज्यादा हताश और निराश हो गए थे। विराट कोहली को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब किस गेंदबाज से गेंदबाजी करवाया जाए और रोहित शर्मा के माथे पर तो टेंशन की लकीरें साफ साफ झलकने लगे थी, तो वहीं पर डगआउट में बैठे गौतम गंभीर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बांग्लादेश के इन बल्लेबाजों को कैसे आउट किया जाए। मगर तभी चलते मैच के दौरान रोहित शर्मा जडेजा की जमकर फटकार लगाते हुए नजर आते हैं, जिसको देखने के बाद कानपुर के सभी दर्शक दंग रह जाते हैं। इस दौरान रोहित शर्मा भारतीय गेंदबाजों के ऊपर विकेट ना मिलने की भड़ास निकाल रहे थे और जडेजा से लगातार 27 ओवर तक गेंदबाजी नहीं करवाते हैं। पांचवें दिन के खेल में अपना पहला ओवर करने आए रविंद्र जडेजा ने दूसरी ही गेंद पर बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हसैन संटो को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। बांग्लादेशी कप्तान नजमुल के विकेट के साथ ही बांग्लादेश की बल्लेबाजी पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह तहस नहस हो जाती है। रविंद्र जडेजा के द्वारा लिया गया नजमुल का विकेट ही मैच का टर्निंग पॉइंट भी साबित होता है। रविंद्र जडेजा ने घातक गेंदबाजी करते हुए अपने अगले ही ओवर में लिटन दास को अपना शिकार बनाकर टीम इंडिया को छठी सफलता दिला देते हैं। लिटन दास को पवेलियन का रास्ता दिखाने के बाद रविंद्र जडेजा ने अपने अगले ही ओवर में साकिब अल हसन को भी अपना शिकार बना लेते हैं। इसी कानपुर टेस्ट महामुकाबले की दूसरी पारी में रविंद्र जडेजा ने अपनी घातक गेंदबाजी से बांग्लादेश के तीन बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाते हैं और भारतीय टीम कानपुर टेस्ट महामुकाबले में ढाई दिनों के अंदर ही बांग्लादेश की टीम को बुरी तरह से धूल चटा देती है। और रविंद्र जडेजा ने भी टेस्ट के फॉर्मेट में 300+ टेस्ट विकेट लेने वाले भारत के पहले बाएं हाथ के स्पिनर गेंदबाज बन जाते हैं।